हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। और जैसी हम लोगों की सीरीज चल रही है, उस हिसाब से लग रहा है कि आप लोग भी पूरी तरीके से फॉर्म में उपस्थित हैं। जैसा कि रोज़ के रोज़ हम लोग यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, उससे देख के ये भी आप लोगों की उपस्थिति ये दिखाती है कि भाई आप लोग भी उसी तरीके से तैयार हैं, बिल्कुल कि पूरा मूड में आ चुके हैं कि पेपर तो देना ही देना है और वो भी अच्छे से देना है। जैसे आप लोग वीडियोस देख रहे हैं और जैसे आपकी डिमांड्स आ रही हैं कि सर ये करा दो, सर जी वो करा दो, आप निश्चिंत रहिए, मैं सब कंप्लीट कराऊंगा। उसके लिए बस आपका साथ बहुत ज़रूरी है और आपका साथ मुझे लगभग एग्जैक्टली सही तरीके से मिल रहा है। और जब साथ मिलता है, दो पक्ष होते हैं, एक पढ़ने वाला एक पढ़ाने वाला, जब दोनों तरफ से साथ मिलता है तभी हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। चलो, तो आज हम लोग फिर से हिंदी और इंग्लिश का जो है थर्ड पार्ट लेके आ गए हैं। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हम लोगों का क्या है, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर कहाँ का प्रीवियस ईयर, तो जो DSSB का जो प्रीवियस ईयर है ये हम लोग उसको कर रहे हैं, क्योंकि जो DSSB का जो प्रीवियस ईयर है, DSSB में JSA का प्रीवियस ईयर है। DSSB में एक JSA एग्ज़ाम होता है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या LDC, उसी का ये एग्जाम का पेपर है। तो अब हम लोग उसी को कंप्लीट कर रहे थे। तो अब देखते हैं इसमें सेक्शन जो है जनरल हिंदी का। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, दिए गए समुच्च बोधक शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं या ज्ञात कीजिए, इसलिए, अतः और अत्यप, तो कारण बताने के लिए, परिणाम बताने के दिखाने के लिए, विरोध दिखाने के लिए या संकेत बताने के लिए। तो देखो, कोई भी चीज़ होती है, मैंने ऐसा काम किया इसलिए ये हो गया, तो ये परिणाम बता रहा है। क्या बता रहा है, परिणाम। तो ये किस चीज़ के लिए हो जाते हैं, परिणाम बताने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। चलो 62 नंबर देखो, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन करना है। जिसे देश से निकाल दिया गया हो उसके लिए जो है एक शब्द बताना है, क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है देश प्रेमी, निर्वासित, देशद्रोही और देश निकाला। तो दोस्तों, जब जिसको देश से निकाल दोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो निर्वासित हो जाएगा। बाकी देश प्रेमी, जो देश से प्रेम करता है उसको देश प्रेमी कहते हैं, ठीक है, और देश से द्रोह करने वाले को देशद्रोही कहते हैं। और बाकी आपके आगे जो देश निकाला और देश से निकाल दिया गया हो तो उसको निर्वासित कह देंगे, और देश निकाला उस तरीके से नहीं कह सकते हैं, उसमें पूरी तरीके से एग्जैक्टली तो सही नहीं हो पाएगा जो देश के से निकाला गया है उसके लिए। चलो 63 नंबर देखो, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए, ऊपर की ओर आना, तो ऊपर की ओर आना आगामी, पोधगामी, निम्नगामी, ऊर्ध्वगामी। तो जब ऊपर की ओर आएगा तो आपको भी पता होगा कि ऊपर ऊर्ध्व होता है, नीचे निम्न होता है, तो यहां पे ऊर्ध्वगामी आपका सही हो जाएगा। चलो 64 नंबर, दिए गए शब्द में उचित संज्ञा का प्रयोग करके उचित स्थान की पूर्ति करना है। चल चलकर मुझे तो बहुत महसूस हो रही है, चल चलकर मुझे तो बहुत क्या महसूस हो रही है, थकावट, श्रेष्ठता, आदर या ममत्व। तो जब बहुत ज्यादा चलेगा तो क्या हो जाएगा, उसको थकावट महसूस हो जाएगी। चलो आगे बढ़ेंगे, दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। महादेवी वर्मा करुणा वेदना की कवित्री थी, महादेवी वर्मा करुणा वेदन की कवित्री हैं, महादेवी वर्मा करुण वेदना की कवित्री हैं, ठीक है, और फिर महादेवी वर्मा करुणा वेदना की कवि हैं। तो एक चीज याद रखना कि कवित्री क्या होता है, कवित्री ही यहाँ पे हर जगह पे कवित्री गलत लिखा है, इसमें वेदन भी गलत लिखा हुआ है और इसमें कवित्री भी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कवित्री गलत लिखा हुआ है, वा में छोटी की मात्रा नहीं लगती है, कवित्री होता है, यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा है, यहाँ पे वेदना भी सही लिखा है, यहाँ पे करुण भी सही लिखा है, करुण वेदना, करुणा वेदना नहीं होगा, करुण वेदना की कवित्री है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। अब बहुवचन नहीं होगा तो एक वचन होना चाहिए, भाई बहुवचन नहीं है तो एक वचन होगा, दाम दिए जाते हैं, बहुवचन, होश उड़ गए बहुवचन, पुस्तकें रखी हैं, तब पुस्तकें लगाया जाएगा, पुस्तक तो सिंगल हो जाएगा यानी कि एक वचन में आ जाएगा। चलो 67 नंबर, दिखा हुआ है दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, क्या लिखा है, सविता छत के खेल रही है, तो कहाँ होगा, ऊपर खेल रही है, भीतर खेल रही है, बाहर खेल रही है या अंदर खेल रही है, तो सविता छत के ऊपर खेल रही है, कहाँ खेल रही है, ऊपर खेल रही है।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करना है। क्या लिखा हुआ है? पुष्प। पुष्प का पर्यायवाची प्रसून, सुरा, शेषाव, पवे। तो पुष्प का प्रसून होता है, क्या होता है? पुष्प का प्रसून होता है, फूल होता है, सुमन होता है, कुसुम होता है, मंजरी भी हो जाता है, मंजरी जिसको कहते हैं, पुहप भी हो जाता है। तो ये इतने इसके पर्यायवाची शामिल हो जाएंगे। चलो 169 नंबर, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। किसका करना है? शुद्ध वर्तनी जो होगी। तो निर्झरिणी लिखा हुआ है, फिर दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी लिखा, सभी में वही तरीका है। लेकिन क्या होता है? निर, फिर तो झ, निर्झ, फिर ऋणी। तो ऋणी होगा, इसमें ऋणी लिखा हुआ है, इसमें ना में बड़ी की मात्रा लगा दी, इसमें छोटी की लगाई है, लेकिन अड़ा में भी छोटी की लगा दी। तो सही कौन सा है? सिर्फ द्वितीय वाला, यानी कि सेकेंड पोर्शन सही है। चलो 70 नंबर, दिए गए शब्द का संधि विच्छेद बताना है। जो दिया गया संधि शब्द है, इसका संधि विच्छेद बताना है। बहु उद्देश्य, फिर बहु देश, बहु देश और बहु उद्देश्य। तो यहाँ पे अगर बड़े ओ की मात्रा ना लग के छोटे ओ की लगती तो सही हो जाता है, इसलिए यहाँ पे छोटे ओ की मात्रा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और ये किसका उदाहरण होगा? कौन सी संधि थी इसमें? दीर्घ संधि थी। चलो भाई 71 नंबर देखो, 71 नंबर में क्या लिखा हुआ है? दिए गए शब्दों में से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। कारण, कलश, कक्षा और कर्म। कर्म नहीं होता है, क्या होता है? कर्म होता है दोस्तों। क्या होता है? कर्म होता है। ठीक है, इसमें रा ऊपर लग जाता है, बाकी सब शुद्ध लिखे हुए हैं, बस एक यही अशुद्ध लिखा था जिसको अभी शुद्ध कर दिया है। चलो फिर देखो 72 नंबर, देखो क्या हो जाएगा। 72 नंबर में लिखा हुआ गया है कि दिए गए वाक्य में शुद्ध रूप का चयन करना है। मैंने जाना है, अब इसको शुद्ध करना है। क्या लिखा हुआ? मैंने जाना है। तो मैंने जाना है कैसे करोगे शुद्ध भैया? तो क्या हो जाएगा? मैं जाना है, नहीं मुझे जाना है, हाँ मुझे जाना है। क्या हो जाएगा? मुझे जाना है। चलो 73 नंबर देखो, लिखा हुआ है दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द ज्ञात करना है। क्या लिखा हुआ है? आवर्त, बादल, भंवर, पहाड़ और घर। तो जो आवर्त लिखा हुआ है ये किसका जो है पर्यायवाची समानार्थी शब्द हो जाता है? तो देखो जो आवर्त होता है इसका मतलब होता है भंवर। क्या होता है? भंवर। और इसके जो अन्य समानार्थी शब्द हो जाते हैं, भंवर क्या होता है? ऐसे ऐसे करके गोल गोल आता है, इसको क्या कहते हो? चक्कर कहते हो। ठीक है, घुमाओ कहते हो, भौंरी, कुछ लोगों के यहाँ भ्रमरी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाते हैं? ये इसके समानार्थी कह सकते हो, पर्यायवाची कह सकते हो, ये सब इसी में शामिल हो जाएंगे। 74 नंबर, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है। तो भाई विलोम शब्द ज्ञात करो। क्या लिखा हुआ है? आभ्यंतर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आभ्यंतर। अच्छा, तो आभ्यंतर मतलब अंतर, मतलब आभ्यंतर अंदर होता है। क्या होता है? अंदर होता है। और इसका जो विलोम हो जाता है वो बाह्य हो जाता है, ये जो बाह्य लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अंदर और बाहर ये चीज़ें हो जाएंगी। तो फिर नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा और अंदर का बाहर हो जाएगा। यहाँ देखो नीचे का तो ऊपर डायरेक्टली लिखा हुआ है और अंदर का बाहर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो भाई। 75 नंबर, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। प्रधानाचार्य ने भाषण दिए। 75 नंबर में दिए गए वाक्य का काल ज्ञात करना है कि प्रधानाचार्य ने भाषण दिया। अब ये है क्या? तो देखो संदिग्ध भूतकाल सारे के सारे भूतकाल ही लिखे हैं, शब्द को भूतकाल ही लिखा हुआ है ना। तो अब है तो ये दिया तो भूतकाल में ही, लेकिन है कैसा कि प्रधानाचार्य ने भाषण दिया। अब ये संदिग्ध क्या, इसमें कोई संदिग्ध यानी कि कोई भी संदेह है आपको कि भाषण दिया? उन्होंने तो भाषण दे दिया, कोई मतलब नहीं उसका। फिर आसन मतलब जिसमें आसन्न में मतलब होता है जिसकी क्रिया जो होती है कि उसकी क्रिया की समाप्ति निकट भूत से या तत्काल में सूचित होती है, ठीक है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। या इसमें जैसे कह सकते हैं कि मैंने खाना खाया है, अभी उसने तुरंत खाना खाया है, तो इसलिए यहाँ पे आसन्न हो जाएगा। फिर लिखा हुआ यहाँ पे सामान्य भूतकाल, यही सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो आपको अपूर्ण लिखा है, प्रधानाचार्य ने भाषण दिया, उन्होंने तो दे दिया, अब इसमें अपूर्ण तो है नहीं, पूर्ण हो चुका था क्योंकि भाषण जो है वो दे चुके थे। चलो 76 नंबर, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन करना है। किसी बात पर सहमत होने की प्रार्थना। क्या लिखा हुआ है? कि किसी बात पर सहमत होने की जो प्रार्थना है उसको क्या कहते हैं? आवेदन। आवेदन भाई उसके सहमत होने की प्रार्थना नहीं होती, प्रार्थना नॉर्मल भी नहीं होगी, विनय भी वही चीज हो जाती है। अनुनय,
क्या होता है? अनुनय। अनुनय मतलब होता है किसी बात के सहमत। आप जब किसी बात के सहमत करना चाहते हैं किसी बात को लेके, तो आपको उससे मनाना पड़ेगा, उससे प्रार्थना करनी पड़ेगी, तो उसको अनुनय कहते हैं। 77 नंबर, दिए गए शब्द में प्रत्यय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रत्यय ज्ञात करना। लिखा हुआ है आमदनी। प्रत्यय कहां लगता है? ला, अंत में लगता है। वाक्य शब्द के अंत में प्रत्यय लगता है, ठीक है। और पहले क्या लगता है? उपसर्ग लगता है, ठीक। उपसर्ग पहले और प्रत्यय बाद में। तो यहां पे लिखा हुआ है आमदनी, तो आमदनी में जो प्रत्यय हो जाएगा कि क्या हो जाएगा? आमदन होता है, आमदन होता है, इसमें ई लखाली लग जाता है और ये आमदनी बन जाता है। और ये जो आमदनी आपको लिखाई दे रहा है ये उर्दू के कृत्य का है, ठीक है। इसमें कृदंत प्रत्यय के द्वारा निर्मित होता है, तो जो क्रिया धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले जो वाक्य मतलब जो चीजें होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? जो होने वाले जो प्रत्यय होते हैं उन्हीं को हम लोग कृत्य प्रत्यय कहते हैं, और उनसे बनने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को कृदंत कहते हैं। इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। और इससे लगने वाले जो अन्य शब्दावलियां होंगी जैसे रेती, बोली, फंसी, हंसी, ठीक, इस तरीके के शब्द ये बन जाएंगे। चलो 78 नंबर देखो, दिए गए शब्द युग्म का अर्थ ज्ञात करना है। क्या है? दिए गए शब्द युग्म का अर्थ ज्ञात करना है। द्वीप, द्वीप, क्या लिखा हुआ है? द्वीप, द्वीप, तो द्वीप का मतलब तो आपको पता है, ये बड़ी ई की मात्रा मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब तो टापू हो जाता है। क्या हो जाता है? टापू। तो यहां पे पुराना खत्म करो, यहां पे काटा खत्म करो, यहां पे माता है नहीं, यहां पे टापू है, बिल्कुल सही। तो द्वीप का मतलब टापू होता है और छोटी की मात्रा द्वीप मतलब हाथी होता है। दोनों चीजें मिल गई, ऐसे करके पकड़िए कि दोबारा आपको छोड़ना ही ना पड़े। चलो, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग कारक की किस प्रकार की विभक्ति है ज्ञात करना है। क्या लिखा है? राहुल ने खाना खाया। अब इसमें राहुल ने जो है ये किस प्रकार की विभक्ति है? क्या करा? अधिकरण, कर्ता, कर्म और करण। तो क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, अब यहां पे काम कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है। अब ने भी आ गया, क्या आ गया? क्या होता है? कर्ता के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ने, कर्म को। तो कर्ता ने, कर्ता इसमें राहुल हो गया और उसने क्या किया? काम कर रहा है, ने, तो क्या हो जाएगा? कर्ता ने। तो भैया आपको यहां पे कौन सी जो है विभक्ति हो जाएगी? कर्ता विभक्ति हो जाएगी। चलो फिर 80 नंबर देखो क्या है, दिए गए वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है ज्ञात करना है। विपुल दूध पीता है। अब विपुल दूध पीता है तब क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया, अकर्मक क्रिया, नाम धातु या सकर्मक। तो अगर विपुल दूध पीता है तो यह क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना होती है, ठीक है, और जिस क्रिया में फल जो होता है वो कर्म पर ही पड़ता हो उसी को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खाता है, अगर पूछा जाए कि क्या खाता है तो वो फल खाता है, इसीलिए खाने की क्रिया जो होगी वो किसके ऊपर पड़ेगी? वो फल के ऊपर पड़ेगी, तो इसलिए इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। चलो अब हमारा यहां पे क्या पढ़ रहा है, यहां से भाई हमारी इंग्लिश स्टार्ट हो रही है। क्या स्टार्ट हो रही है? इंग्लिश। अब हम लोगों को इंग्लिश के बारे में पता है कि इंग्लिश भाई इजी तो आनी नहीं है, तो उसके लिए भी हम लोग वही चीज़ें अप्लाई करेंगे जैसे कल भी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट किए थे और उसमें हर चीज़ को देखा था और एग्जैक्टली उसी तरीके से कोशिश की थी कि सॉल्व करें जिससे कम समय में हो सके। तो देखो यहाँ पे 121 में दे रखा है फाइंड द एरर, हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी इतना है और ये पार्ट में डिवाइडेड है, जिस पार्ट में एरर होगा वो बता देंगे, नहीं तो नो एरर हो जाएगा, बात खत्म। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ हैव नो मॉनेटरी मोटिव टू हेल्पिंग यू नो एरर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो देखो टू हेल्पिंग यू जो लिखा हुआ है ये गलत है। कैसे गलत हो जाएगा? क्योंकि देखो इसके यहाँ पे जब टू है और टू क्या होती है? इन्फिनेटिव होता है, और टू के बाद इन्फिनेटिव के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे जो टू लिखा हुआ है तो ये तो टू बन गया ना, अब इन्फिनेटिव आता है, ठीक, इसके बाद में टू लगता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे जब हमको पता है कि टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है तो हम यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों इस्तेमाल करेंगे? तो इसलिए गलती किसमें हो जाएगी? तीन नंबर में। तो आपका तीन नंबर कहाँ दे रखा है? ए दो मतलब दो एक चार तीन, चार तीन दे रखा। चलो 22 नंबर देखो क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है अ सेंटेंस हैज बीन द गिवन विद विद ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? देखो खाली जगह में ही डाइव्ड द रिवर, तो क्या हो जाएगा? डाइव्ड मतलब
उसने कूदा, वो कूदा रिवर में, रिवर के अंदर कूदा, रिवर देखो यहां पे लिखा है अंडर, ठीक है, उसके नदी के नीचे गया, इनटू नदी में गया, एट नदी के साथ में है, ऊपर है, इन नदी में है। तो देखो यहां पे नदी के अंदर जाएगा ना कि नदी में जाएगा, तो नदी के अंदर जाएगा तब इनटू आ जाएगा। ही डाइव्ड इनटू द रिवर, क्या होगा, इनटू द रिवर हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज और भी याद रखना, जैसे पीछे वाला जो सेंटेंस था उसमें एक चीज आपके सामने और भी आ रही होगी कि डाइव्ड, तो मतलब वो नदी के अंदर जाना चाह रहा है, मतलब पानी के अंदर डुबकी लगाना चाह रहा है, तो इसलिए क्या होगा, इनटू का ही इस्तेमाल होगा। चलो 1, 2, 3 यानी कि 130 नंबर देखो, इंप्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वन में अकॉम्प्लिश मच थिंग बाई अ लिटिल एफर्ट, तो यहाँ पे जो मच है इसको हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं ये देखना है। वन में अकॉम्प्लिश, देखो accomplish much thing by a little effort, देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो जो much है उसके जगह पे तो many का इस्तेमाल होगा, मेन चीज तो यहाँ पे ये है, ठीक है, क्योंकि जो काउंटेबल नाउन से पहले many है और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उससे पहले much आता है, ठीक, तो यह क्या हो जाएगा, वन में accomplish many things by a little effort, many things, अब जो things होंगी उसकी वो गिनने लायक होंगी, ठीक है, काउंटेबल ऐसी होंगी कि जो गिन के कर सकता है, इसलिए यहां पे मेनी का इस्तेमाल होगा। फिर देखो एरर बताना है, चलो तो लिखा हुआ है लव ऑफ मनी इज द, लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल, तो यहां पे हमको गलती बतानी है कि किसमें हो जाएगी, चलो भाई देखते हैं किसमें हो जाएगी, लव ऑफ मनी इज द, लव ऑफ मनी प्यार की जो पैसे हैं इज द रूट ऑफ द ऑल एविल, हाँ प्यार में जो है जो पैसा आता है तो वो हर मतलब लड़ाई की जड़ कह सकते हैं, क्या होता है, सभी बुराइयों की जड़ होती है, तो ये रूट जो लिखा है ये दोस्त जड़ की स्पेलिंग होती है क्या, नहीं, जड़ की स्पेलिंग क्या होती है, आर डबल ओ टी, ये जड़ की स्पेलिंग होती है, तो यहाँ पे रूट जो लिखा है रूट ऑफ ऑल इविल बुराइयों की जड़, तो यहाँ पे ये रूट ही गलत लिखा है, तो ये तीसरा ऑप्शन होगा, और तीसरा कहाँ पे लिखा है, पहले में, यही आपका सही हो जाएगा। देखो कई बार मिस्टेक स्पेलिंग में देते हैं, तो कई बार आपको सेंटेंस के उसके जो है ग्रामेटिकल एरर देते हैं, तो यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि किसमें एरर होगी। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही बोथ बॉर्न अ प्राइज एंड अ स्कॉलरशिप, और यहाँ पे दे रखा है भाई नो एरर, तो जो यहां पे लिखा है ही बोथ बॉर्न, तो यार ही बोथ बॉर्न कैसे हो जाएगा, ही बॉर्न बोथ, क्योंकि उसने क्या क्या जीता था, एक तो प्राइज जीता था और एक स्कॉलरशिप जीती थी, देखो अ प्राइज एंड आ स्कॉलरशिप, तो उसने दो चीजें जीती हैं, तो दो चीजें जीती हैं, जीती तो उसने अकेले ने जीती है ना, दो चीजें जीती हैं वो एक अलग बात हो गई, लेकिन जीती अकेले ने, तो ही बॉर्न तब बिल्कुल सही है, बोथ प्राइज, बोथ क्या, एक प्राइज जीता था और एक स्कॉलरशिप, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही बॉर्न बोथ, तो यहां पे पहला गलत हो जाएगा। छब्बीस देखो, 26 में क्या लिखा हुआ है, नीचे हमको पी क्यू आर एस करके जो है ऑप्शंस दे रखे हैं, इसके हिसाब से एक सेंटेंस बनेगा और हमको इस सेंटेंस को ही पूरा करना है। चलो यहां पे देखो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, अच्छा सेंटेंस इसमें कुछ नहीं लिखा, हमको पी क्यू आर एस से एक सेंटेंस बनाना है। चलो भाई देखो, कलर्स वर सो ब्यूटीफुल द डिफरेंट शेड ऑफ लेड दैट दे डिसीव्ड इवन द शार्पेस्ट आइज। अब आपको यहां से तो देखो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक चीज समझ में आ रही है, ना तो कलर से स्टार्ट हो रहा है ना कि लेड इवन से, किससे स्टार्ट होगा, द डिफरेंट शेड ऑफ कलर्स, क्या हो जाएगा ये देखो, द डिफरेंट शेड ऑफ कलर्स वर सो ब्यूटीफुल, इतना तो बन गया कि ये वाला पहला हो गया और ये वाला भाई दूसरा हो गया, डिफरेंट द डिफरेंट शेड ऑफ कलर्स वर सो ब्यूटीफुल लेट दैट दे डिसाइडेड इवन द शार्पेस्ट आइज, हाँ ये देखो ये भी बन गया, तीसरा और चौथा ये बन गया, तो यानी कि हमको क्या मिला, क्यू पी फिर आर फिर एस, तो क्यू पी आर एस मिल गया है, क्यू पी आर एस देखो क्यू से स्टार्ट है, नहीं क्यू से स्टार्ट है नहीं, दोनों क्यू से स्टार्ट है, फिर पी है इसमें आर है, तो इसको भी काट दीजिए, यहां पर पी ये सही हो जाएगा। सत्ताईस नंबर, फाइंड द पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर,
अब देखो फिर वही चीज़ आ गई, एरर और नो एरर के बारे में हमको बात करनी है। द स्विंगिंग इमर्ज्ड फ्रॉम द वाटर। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ कि जो इमर्ज मतलब घूमेगा फ्रॉम द वाटर, वाटर के जो है इधर से उधर जाएगा, तो यहाँ पे ये स्विंगिंग कैसे हो जाएगा? एक तो सबसे पहली बात तो ये सब्जेक्ट बनेगा, ये सब्जेक्ट बनना है, फिर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है फ्रॉम द वाटर, तो स्विंगिंग कैसे हो सकता है? स्विंगिंग हो सकता है क्या? नहीं, जब सेंटेंस है तो स्विंगर होना चाहिए ना, कि जो स्विमर होगा, जो स्विमिंग लिखा है तो स्विमिंग नहीं होना ना, स्विमर होना चाहिए था। और ये नंबर एक में गलती है, तो नंबर एक कहाँ पे है? ये लिखा तीसरे में, तो तीसरे में गलती हो जाएगी। चलो 28 नंबर को इम्प्रूव करो, क्या लिखा हुआ है? इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द टीचर वाज प्लीज्ड फ्रॉम द बॉयज वर्क, मतलब जो टीचर थे वो बहुत ही प्रसन्न थे लड़के के, जो लड़का था उसके वर्क से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्रॉम तो नहीं होगा क्योंकि उसके काम से जरूर लिखा है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं, उसके काम के साथ खुश थे। क्या थे? जो उसने काम किया था उसके लिए खुश थे। तो क्या हो जाएगा? द टीचर वाज प्लीज्ड विद द बॉयज वर्क, क्या हो जाएगा? विद द बॉयज वर्क हो जाएगा। तो यहां पे विद बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर देखो क्या हो जाएगा। अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विद द ब्लैंक ब्लैंक। अच्छा, यहां पे खाली जगह भरनी है, सीधी सी बात, क्यों बकवास करें यार, सीधी बात, नो बकवास। चलो तो 129 देखो क्या हो जाएगा। यहां पे लिखा है इट वाज हिज चांस, तो क्या हो जाएगा? इट वॉज हिज वाइल, वाइल तो हो नहीं सकता, ओनली हो सकता है, वंस चांस हो सकता है, सच चांस भी नहीं। तो यहां पे दो बनते हैं, ठीक है। देखो यहां पे उसने कहा इट वॉज हिज वंस चांस, तो पहला चांस है, पहला चांस तो नहीं बनना है। इट वॉज हिज ओनली चांस, यानी कि ये उसका अंतिम चांस है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि सिर्फ लग रहा है, सिर्फ केवल या दोनों में से कोई भी एक, सिर्फ कह लीजिए चाहे केवल का प्रयोग होगा, क्यों? क्योंकि ये जो है एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, एक तरीके का एडजेक्टिव है, तो इसलिए यहाँ पे ओनली ही बिल्कुल सही है। चलो 130 नंबर, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। फिर वही देखो, खाली जगह है और भरना है। द कैरेज ऑन, तो जो कैरेज है वो कहाँ पे है? हैज मूव्ड, मतलब वहाँ से जा चुका है, मूविंग जा रहा है, मूव जाता हुआ दिखा दे रहा उसको, या मूव्ड, तो कैरेज मूव्ड ऑन, वहाँ से जा चुका है, तो यहाँ पे मूव्ड हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये जो है बाकी पास्ट सेंटेंस में बनेगा, ठीक, उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो जो द कैरेज मूव्ड ऑन, गाड़ी, अच्छा कैरेज लिखा है हम, कैरेज वो उसका भाड़े को समझ रहे थे, तो यहाँ पे द कैरेज मूव्ड ऑन हो जाएगा, तो गाड़ी आगे बढ़ गई, बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर, चलो भाई 31 नंबर, इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, देखो फिर इसको चेंज करना है, द एनिमीज हैव डिफीटेड अवर आर्मी, तो आर आर्मी, तो इनमीज मतलब शत्रुओं ने जो है क्या हो जाएगा, डिफीटेड आर आर्मी, तो यहां पे द इनमीज, क्योंकि देखो यहां पे शत्रुओं के बारे में कहा, शत्रु जो है हमारी आर्मी को हरा दिया, तो यहां पे जो हैव लिखा है वो प्लूरल नाउन के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल सही लिखा है, यहां पे इज आर हैज तो कुछ आ नहीं सकता, तो यहां पे यही बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई चेंज करना ही नहीं पड़ेगा। चलो फिर वही PQR से हमको क्या करना है, सेट करना है, तो देखो भाई PQR से फिर सेट करके देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा नथिंग कैन हैपन, बिल एंड सेंसेशन, गॉड इज सुप्रीम पावर विदाउट हुज। अब अच्छा यहाँ पे तो ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा, तो देखो नथिंग से तो स्टार्ट नहीं बनना, बिल से भी नहीं हो रहा है, पावर, देखो यहाँ पे जो आर नंबर पे दे रखा है, गॉड इज द सुप्रीम, क्या लिखा हुआ है कि भगवान जो है सर्व शक्तिशाली है, सब कुछ है भगवान, सुप्रीम, तो गॉड इज सुप्रीम, ठीक, उसके बाद में यस लिखा हुआ है, यस को देखना चाहिए, क्या लिखा हुआ है, गॉड इज सुप्रीम, फिर पावर बहुत अच्छे से बनना है भाई, गॉड इज सुप्रीम पावर विदाउट हुज बिल एंड है, क्या लिखा हुआ, बिल एंड सेंसेशन नथिंग कैन हैपन, मतलब भगवान की इच्छा के, भगवान सब कुछ है, उसकी इच्छा के अलावा कुछ, मतलब जो वो चाहते हैं उनके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है, तो ये पहला, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा और ये लास्ट में चौथा, तो यानी कि आर एस पी क्यू, तो आर से दो स्टार्ट हो रहे हैं ये तो काटी दो,
आर एस, तो तीसरा वाला मिल जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। चलो 33 नंबर बताओ। तो देखो 33 नंबर में क्या है, फिर वही चीज है कि इसमें अल्टरनेटिव भरना है कि खाली जगह में क्या आ जाएगा। तो लिखा हुआ है द व्हील केम, तो क्या हो जाएगा, द व्हील केम डाउन, नीचे चला गया था। अगर भाई देखो एक बात बताओ, पहिया जो है वो क्या हो जाएगा, नीचे तो नहीं जाएगा, इन अंदर भी नहीं जाएगा, ऑफ, हाँ अलग हो सकता है, ओवर, किसके ओवर हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान है, आपका खाली जगह है, जो आपका ब्लैंक है, इसमें ऑफ आ जाएगा, मतलब अलग हो गया था, ठीक है। ये एक तरीके का फ्रेज भी है, याद रखना, द व्हील केम ऑफ, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, थिंग्स गो डिस एस्ट्रोलॉजली रॉन्ग, अ सिचुएशन डिजॉल्व इन टू रुइन, और कह सकते हैं चाओस, मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें सब कुछ बर्बाद होता हुआ दिख रहा हो, जिसके जिसमें लगभग सब कुछ बर्बाद हो गया होता, द व्हील केम ऑफ, ये फ्रेज बन जाएगा। मैं आपको वन वर्ड्स प्रोवाइड करा दूंगा, एडियम्स प्रोवाइड करा दूंगा पेपर से पहले, कुछ इंपॉर्टेंट वाले। कोशिश तो यही रहेगी कि अगर इतना थोड़ा सा सेट करके देखता हूँ, अगर बन गया तो कोशिश यही रहेगी कि जो पढ़ाऊँ वहीं से एक या दो अगर आए तो फंस जाए। चलो तो 34 नंबर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट। अच्छा, इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट, तो लीजेंड टेल अस हाउ द कस्टल रिसीव्ड इट्स नेम, तो क्या हो जाएगा, द लीजेंड्स टेल हो जाएगा, द लीजेंड टेल्स हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंगुलर पर्सन के साथ सिंगुलर नाउन भी लेनी पड़ेगी। चलो फिर लिखा हुआ है, फिर वही चीज़ है कि खाली जगह है, इसको फिल करना है, तो आई हैव नॉट स्लेप्ट स्टरडे, क्या था, आई हैव नॉट स्लेप्ट स्टरडे। अब स्टरडे आ गया तो इसका मतलब सर्टेन टाइम या अनसर्टेन टाइम होता है, तो उसके लिए सिंस या फॉर आता है। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन तो आपके खराब हो गए, इनको तो हतम कर दो, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस है आपका। आई हैव नॉट स्लेप्ट, मैं नहीं सोया हूँ, कब से, कल से, तो क्योंकि कल, अब कौन सा वाला कल, क्या आपको पता है, नहीं पता है, तो क्या जाएगा, सिंस आ जाएगा। चलो भाई 36 नंबर पढ़ते हैं भाई, देखो 36 नंबर में क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है दैट डे आई हैव नॉट सीन हर, क्या लिखा हुआ है, दैट डे आई हैव नॉट सीन हर, मतलब उस दिन से मैंने उसको अब तक नहीं देखा है, तो फिर वही चीज आ जाएगी, आई हैव नॉट सीन हर सिंस दैट डे, क्योंकि उस दिन से उसको नहीं पता है ना किस दिन से, तो यहाँ पे सिंस वही अनसर्टेन टाइम है, तो फिर भैया सिंस आ जाएगा। चलो 37 नंबर क्या हो जाएगा, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विद द ब्लैंक टू बी फिल्ड, फिर भाई फिलिंग ब्लैंक भरना है, वी मस्ट फाइंड वे आउट ऑफ इट, हम लोग जरूर ढूंढ लेंगे इससे बाहर निकलने का रास्ता, तो क्या हो जाएगा, हम लोग जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे इससे बाहर निकलने का, यही तो कहा जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे जो सेंस निकल रहा है उसके हिसाब से सम आ जाएगा, कि मतलब कोई ना कोई या कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे इससे बाहर निकलने का। चलो 38 नंबर देखो, आल डिजायर्स वेल्थ आल्सो सम एक्वायर्स इट, क्या लिखा हुआ है, पहले तो अच्छा इंप्रूव द ब्रैकेट पार्ट, अच्छा इंप्रूव करना है ब्रैकेट पार्ट को, चलो भाई ब्रैकेट पार्ट को इंप्रूव कर लेते हैं, आल डिजायर्स वेल्थ आल्सो सम एक्वायर्स इट, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आल्सो, आल डिजायर्स वेल्थ एंड सम एक्वायर्स इट, तो एंड तो यहाँ पे बन सकता है, लेकिन यहाँ पे आल्सो नहीं बनना, तो यहाँ पे आपको एंड लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इंग्लिश के लिए सारे रूल्स तो मैं आपको अभी क्लियर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए आपको जो नीतू मैडम की एक केडी कैंपस की बुक आती है ब्लू वाली, आप उसको लेके पढ़िए, दो से तीन बार पढ़िए, उनकी दो बुक्स आती हैं, एक में रूल्स हैं, दूसरे में रूल्स को थोड़ा सा और बढ़ाया गया है, तो आप दोनों बुक्स को लगभग लगभग दो से तीन बार पढ़ डालिए, आपको ये इंग्लिश ऐसे हलवा लगने लगेगी। चलो 39 नंबर, फिर वही खाली जगह भरनी है, द पाथ लीड्स द वुड्स, क्या लिखा हुआ है, द पाथ लीड्स इन टू द वुड्स, यहाँ पे जो है क्या है, रास्ता जंगल में जाता है, द पाथ लीड्स इन टू द बूट्स, मतलब बूट्स मतलब जंगल है लकड़ियों के बीच में। चलो 40 नंबर, यहाँ पे खाली जगह है, खाली मतलब सॉरी फिर एरर आ गया है, एरर देखना है क्या हो जाएगा। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट अस प्रोसेस्ड विद द वर्क नो एरर, क्या लिखा हुआ है, द लेट अस प्रोसेस्ड विद द वर्क,
देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रोसेस्ड विद, ये एक तरीके की फ्रेज है, इसका मतलब होता है कंटिन्यू, या होता है मतलब होता है कि मतलब लगातार जारी रखना, बिगेन होता है शुरुआत करना होता है या जारी रखना होता है, या मूव अहेड मतलब वहां से कहीं दूसरी जगह जाना, सम एक्शन या मतलब अंडर टेकिंग अपने अंडर में लेना। तो यहाँ पे जो गलती है लेट अस प्रोसेस्ड विद द वर्क, तो यहाँ पे द वर्क में गलती हो जाएगी और आपका तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन यार तीसरा ऑप्शन गलत क्यों होगा, काम तो वो शुरू कर रहा है ना, प्रोसेस्ड विद कंटिन्यू यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लेट अस प्रोसेस्ड विद द वर्क मतलब हम चलो हम लोग अपना काम शुरू करते हैं, बिगेन करते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे प्रोसेस्ड विद फ्रेज है, इसका मतलब होता है बिगेन, ठीक है। तो यहाँ पे नो एरर हो जाएगा और नो एरर में आपको तीसरा ऑप्शन लेना पड़ जाएगा। चलिए यहाँ पे आज आपकी जो क्लास थी 40 क्वेश्चंस की, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन हिंदी के 20 क्वेश्चन इंग्लिश के दोनों मैंने प्रोवाइड कराए, दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिल गए। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाकी आप जैसे वीडियो देख रहे हैं डेली के डेली देखते रहिए, पेपर तक मैं आपको ये सारी चीज़ें सारा पूरा आपका कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।